नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है एक और एक्साइटिंग नए वीडियो में। आज मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ मीवी की तरफ से आने वाला एक बजट ब्लूटूथ स्पीकर, जो कि है मीवी प्ले, जो कि एक 5 वाट का ब्लूटूथ स्पीकर है। तो चलिए करते हैं इसको अनबॉक्स, देखते हैं बॉक्स के अंदर क्या क्या है, जो स्पीकर है ये कैसा है, इसका साउंड क्वालिटी कैसा है, इसमें क्या फीचर्स है और क्या ये आपको लेना चाहिए या फिर नहीं। तो बिना किसी तरीके चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। और वीडियो शुरू होने से पहले, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास वाला जो बेल आइकन है उसको भी आप दबा दीजिए। तो इसका बॉक्स पैकिंग कुछ इस टाइप का है। यहाँ पर जो स्पीकर का लेआउट है ये देख सकते हो, ये व्हाइट कलर का है और आपको यहाँ पर और भी बहुत सारे कलर ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पर लिखा गया है प्ले ब्लूटूथ स्पीकर। यहाँ पर आपको HD साउंड क्वालिटी देखने को मिलता है। इसमें बेस जो है काफ़ी पावरफुल दिया गया है और जो सबसे खास बात है कि ये मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। इस साइड पे दिया गया है पुश द लिमिट्स और पीछे यहाँ पर कुछ की हाइलाइट्स दिया गया है, जैसे कि इसमें आपको HD साउंड क्वालिटी देखने को मिलता है। इसमें ब्लूटूथ 5.0 टेक्नोलॉजी यूज़ किया गया है। अगर आप दो स्पीकर को यूज़ करते हो तो आप इसे स्टीरियो स्पीकर जैसे यूज़ कर सकते हो। ये स्पीकर कुछ हद तक स्प्लैश प्रूफ है और यहाँ पर आपको 1 साल का वारंटी देखने को मिलता है। और इसका MRP है लगभग 2000 रुपीज़, लेकिन ये आपको मिल जाएगा फ्लिपकार्ट में लगभग 799 रुपीज़ के अंदर। अगर आप इसके करेंट प्राइस देखना चाहते हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। तो चलिए करते हैं इसको ओपन और देखते हैं बॉक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें दिया गया है। तो सबसे पहले मिलता है एक वारंटी कार्ड, नेक्स्ट है एक थैंक यू कार्ड, इसके बाद है एक यूज़र मैनुअल और इसके बाद मिलता है मेन स्पीकर और इसी के साथ दिया गया है एक USB टू माइक्रो USB केबल इसको चार्ज करने के लिए। और यहाँ पर आपको मीवी का ब्रांडिंग देखने को मिलेगा और इसी के साथ एक छोटा सा ऑक्सिलरी केबल दिया गया है। तो इसे आपके स्मार्टफोन के साथ या फिर लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप के साथ इस स्पीकर को आप कनेक्ट कर सकते हो। तो चलिए हम सारी चीज़ों को साइड में रख देते हैं और देखते हैं जो स्पीकर है ये कैसा है। तो कुछ इस टाइप का आपको स्पीकर देखने को मिल जाएगा, दिखने में काफ़ी खूबसूरत है, वाइट कलर का है और यहाँ पर आपको मीवी का ब्रांडिंग देखने को मिलेगा जो कि ऑरेंज कलर का है और ऊपर में स्पीकर का आउटपुट दिया गया है। और यहाँ पर आपको छोटा सा एक LED इंडिकेटर देखने को मिलता है और यहाँ पर एक छोटा सा माइक्रोफोन भी दिया गया है, तो आप इससे जो कॉल है इसको अटेंड कर सकते हो। और इसी के साथ यहाँ पर दो स्विच दिया गया है वॉल्यूम अप एंड डाउन की। यहाँ पर एक थ्रेड दिया गया है जिससे आप इसको अपने बैग के साथ या फिर किसी और भी चीज़ के साथ कनेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पर है चार्जिंग पोर्ट और 3.5 mm ऑडियो जैक और इसके बाद मिलता है पावर बटन और प्ले पॉज बटन। नीचे की तरफ रबर पैडिंग दिया गया है। तो चलिए अभी हम जो स्पीकर है इसको ऑन कर लेते हैं। तो इसके लिए जो यहाँ पर पावर बटन है इसको आपको प्रेस एंड होल्ड करना होगा। तो अभी इसका जो ब्लूटूथ मोड है वो ऑन हो चुका है। तो अभी मैं मेरे स्मार्टफोन के साथ इसको पेयर कर लेता हूँ और ये देखिए आ चुका है मीवी प्ले। तो अभी हम इसको कनेक्ट कर लेते हैं। अभी ये कनेक्टेड हो चुका है। तो चलिए अभी हम कुछ म्यूज़िक को यहाँ पर प्ले करके देखते हैं इसका साउंड क्वालिटी कैसा है। तो इसका जो साउंड क्वालिटी है मुझे काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ पर जो बेस है काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी थम्पिंग बेस यहाँ पर दिया गया है। तो अगर आप बेस लवर हो तो आपको काफ़ी पसंद आने वाला है ये स्पीकर। इसी के साथ जो लाउडनेस है वो काफ़ी अच्छा है और जो इसका साउंड क्वालिटी है वो भी डिसेंट क्वालिटी का है। और अगर आपके फ़ोन में कोई कॉल आता है तो आप इसी स्पीकर से जो कॉल है इसको अटेंड कर सकते हो। इसमें ब्लूटूथ 5.0 टेक्नोलॉजी दिया गया है और इसी के साथ इसका जो पावर आउटपुट है वो है 5 वाट का और इसका जो बैटरी लाइफ है वो लगभग 12 आवर्स का है। डिपेंड करता है आप किस वॉल्यूम पे इसको सुन रहे हो और इसी के साथ किस टाइप का गाना आप बजा रहे हो। और इसको चार्ज करने के लिए लगभग आपको 2 घंटे का टाइम लगने वाला है। कॉन्स की बात करें तो इसमें माइक्रो USB दिया गया है, तो अगर इसमें टाइप सी होता तो काफ़ी अच्छा होता। दूसरा है इसमें काफ़ी ज़्यादा बेस देखने को मिलता है, इसकी वजह से जो इंस्ट्रूमेंट सेपरेशन है वो थोड़ा सा मुझे कम लगा और इसी के साथ जो ट्रेबल है वो भी थोड़ा सा कम लगा मुझे।
लेकिन ये आपके म्यूजिक प्रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है। और जो इसका बटन्स है ये थोड़ा सा हार्ड प्रेस करना पड़ता है तभी ये काम करता है। तो ओवरऑल ये जो स्पीकर है दिखने में काफ़ी अच्छा है, बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छा है, साउंड क्वालिटी भी डिसेंट है और काफ़ी अच्छा फीचर्स के साथ आता है। और जो इसका प्राइस है वो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बजट में ये आता है। तो अगर आपका बजट लगभग 1000 रुपीज़ के आसपास है और अगर आप एक इस टाइप का ब्लूटूथ स्पीकर परचेज करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप मीवी का ये जो स्पीकर है इसको परचेज कर सकते हो। अगर आप इस स्पीकर को परचेज करना चाहते हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो या फिर कोई भी सजेशन हो तो आप बता सकते हो नीचे कमेंट बॉक्स में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास वाला जो बेल आइकन है उसको भी आप दबा दीजिए। फिर मिलता हूँ मैं एक और एक्साइटिंग नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।